अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर आवर सेशन नंबर 46। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ ये बता दीजिए कि उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है कि नहीं। अटेंडेंस लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। साथ आप लोग का एक कॉल्स फॉर इनवाइट वाला लिंक भी शेयर कर देता हूँ। जल्दी से अटेंडेंस लगा लें आप लोग, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके जल्दी से अटेंडेंस सारे लगा लें, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम फोटोशॉप में ही टूल्स को कंटिन्यू करेंगे। और कल तो एक्चुअली मेरी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो इस वजह से मैं नहीं कवर कर सका था। तो वो था स्किन रिटचिंग टूल्स थे, उसके साथ साथ भी कुछ टूल्स हैं, यानी क्रॉप टूल है और कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हैं, वो भी साथ साथ में सिखाऊंगा। साथ मेन टॉपिक हमारा स्किन रिटचिंग था, क्लोनिंग का है, ठीक है? तो ये वाले टूल्स हम देखेंगे, तो लेट्स सी। ओके यहाँ तक तो कल हम एडजस्टमेंट्स देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इनवर्ट से लेकर सिलेक्टिव कलर तक मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट लेयर्स बताई थी। बाय द वे, आप हर एडजस्टमेंट लेयर का जो है ट्यूटोरियल देख सकते हैं यूट्यूब पर। फॉर एग्जांपल, ट्यूटोरियल ढूंढते हुए आप लोग लिटरली शाय फील ना किया करें। कुछ लोग लिटरली वेट कर रहे होते हैं उनके साथ ट्यूटोरियल शेयर किए जाएं। तो मैं आप लोगों को काफ़ी दफ़ा पहले ही बता चुका हूँ कि ट्यूटोरियल्स जो है वो आप लोग यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, इफ यू सर्च समवेयर हेयर, लाइक मैं अगर सर्च करता हूँ ह्यू एंड सेचुरेशन इन फोटोशॉप, ठीक है, तो ह्यू एंड सेचुरेशन इन फोटोशॉप किया तो देखें यहाँ पे कितने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मेरे पास सिर्फ इस टूल के आ गया। आप सारे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, ताकि आपको ह्यूमन सेचुरेशन में जो कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो सके। फिर आप सर्च कर लें फॉर एग्जांपल सेलेक्टिव कलर, सेलेक्टिव कलर के बारे में बताएगा कि सिलेक्टिव कलर्स आप कौन सी सिचुएशंस में यूज करेंगे। जिस तरह कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि सिलेक्टिव कलर जो है वो क्या कहते हैं रियलिस्टिक यानी कलर चेंजेस में काफी ज्यादा हेल्प करता है, तो ये उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। और यानी आप लोग जो भी टूल है जो आपको नहीं समझ आ रहा, वो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके सर्च करेंगे और आप लोग को उसके बेताशे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। बट द थिंग इज कि यू हैव टू बी अ बिट इनोवेटिव एंड एक्सप्लोरिंग, तभी आप लोगों को जो है ना यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल चीजें मिलेंगी। अब यहाँ पर आप टूल्स के अलावा क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं इन फोटोशॉप, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल ये है। अब इसमें मुख्तलिफ तरीके यहाँ पर बताएंगे हाउ टू चेंज बैकग्राउंड, जितने टूल्स मैंने सिखाए हो सकता है उसमें से कोई एक सिंगल टूल यहाँ पर बताया जा रहा हो। तो
इस तरह आप लोग प्लीज सर्चिंग अपनी बढ़ाएं, कोई भी टूल है, फॉर एग्जांपल लेयर मास्क है, लेयर मास्क को आपने सर्च किया तो लेयर मास्क से रिलेटेड आपके ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आ गए। फॉर एग्जांपल इन्वर्ट हमने कल पढ़ा था, इन्वर्ट एडजस्टमेंट लेयर फोटोशॉप, तो इन्वर्ट से रिलेटेड मुझे यहाँ पे ट्यूटोरियल्स नजर आ गए। तो द थिंग इज कि आप लोग को यहाँ पे सारा गाइड किया जाएगा कि इन्वर्ट आप लोग कब यूज करें, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन आप जब ट्यूटोरियल देखते हैं तो आपकी वो जो एक मेमोरी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है उस ट्यूटोरियल से रिलेटेड, यानी उस टूल से भी रिलेटेड। यार मुझे दोबारा रिमाइंड करा देना, मैं शायद आपको किया था, दो तीन स्टूडेंट्स को किया था, किसी का मिस हो गया होगा। आप खुद भी सर्च कर सकते हो। नहीं यार इतना कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग मेरा वेट करो ट्यूटोरियल शेयर करने का। यहाँ पे लिखें आप हाउ टू राइट, थोड़े से अपनी एक्सप्लोरिंग बढ़ाएं ना आप लोग, उर्दू इन इलस्ट्रेटर लिखें आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को ट्यूटोरियल मिल जाएगा वहां पे। ये देखें ये सारे ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, ये पहले दो ट्यूटोरियल्स आप लोग आप देख लें, आप लोग आपको आइडिया हो जाएगा हाउ टू राइट उर्दू इन इलस्ट्रेटर। ये दो ट्यूटोरियल्स आप लोग आप देख लें दोनों, ठीक है। ये देखें इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं, तो यहाँ से आप देख लें। मैं शायद भूल गया भेजना, मैंने भी आपको यही भेजना था, तो आप इस तरह सर्च कीजिएगा हाउ टू राइट उर्दू इन इलस्ट्रेटर, और आप ये पहले जो छह आ रहे हैं इसमें से ये पहले दो वाले देख लें, नहीं समझ आए तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे आप ट्राई करके देख लें। वैसे इसमें ये GFX मेंटोर ने लिख किया हुआ है तो ये काफ़ी डिटेल्ड होगा, और इसमें आपको आई रियली होप कि इसमें आपको समझ आ जाएगा। ओके मैं स्टार्ट करता हूँ, फोटोशॉप में चलते हैं, और आज क्योंकि स्किन रीटचिंग से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले कुछ टूल्स हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं। यानी यहाँ तक हम लोग ने टूल्स देख लिए, यानी ये रेक्टेंगुलर एलिप्स एलिप्टिकल टूल्स, ठीक है, पॉलीगॉन लेसो, पॉलीगॉन लेसो, मैग्नेटिक लेसो, ऑल राइट। उसके अलावा यहाँ पर मूव टूल है, यहाँ पर मैजिक वॉन्ड टूल है, एक बार थोड़ा सा ये फोटोशॉप मसला करता है, जस्ट ड्राइव था ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तब तक आप लोगों के कल कल के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये अभी हो जाता है फोटोशॉप, आई डोंट नो क्या इश्यू आ रहा है। वो ही आज के टॉपिक में इंशाल्लाह वो चीज़ हम कवर करेंगे, वो भी ऐड कर लेते हैं, यानी स्किन रीटचिंग प्लस क्लोनिंग। क्लोनिंग भी आज हमने देखा है, ये जरा फोटोशॉप थोड़ा सा इश्यू कर रहा है, चल जाता तो मैं स्टार्ट करता हूँ।
अच्छा एनीवेज अभी थोड़ा सा ये इश्यू रिजॉल्व हो जाए तो मैं करता हूँ। आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्शन से या किसी और वे से। अच्छा इलेक्शन सिलेक्शन से किसी और वे से, ये बेसिकली होगा क्लोनिंग से। क्लोनिंग टूल जो है उससे हम रिमूव करेंगे उसको। मैं देखते हैं हम आज। अच्छा जो पीडीएफ में ज़्यादा आर्टबोर्ड पे काम किया हुआ सेव करते हैं तो वो लैपटॉप पे फाइल सेव हुई सही नजर आती है, बट मोबाइल पे लास्ट वाले दो तीन आर्टबोर्ड मिसिंग होते हैं, आधे शो होते हैं। सर इसका कोई सलूशन है? जब आप सेव करते होंगे तो कोई ना कोई, या तो आप कितने आर्टबोर्ड आप सेव कर रही हैं उस पर पहले ये बताएं। हो सकता है वो मोबाइल को पीडीएफ ना सपोर्ट कर रही हो, ये भी हो सकता है। तो लेकिन ये कि जब आप उसको डेस्कटॉप पे व्यू कर रहे हैं तब आपको पूरी शो हो रहे हैं, आप शो हो रहे हैं उस पर, तो कोई आर्टबोर्ड मिसिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़रा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। सिक्स है तो सिक्स, और आपको मोबाइल पे कितने शो हो रहे हैं? सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा ए फोटो एस एल मेरी ड्राइव का ना बायोस का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, दैट इज व्हाई। आप मुझे वो पीडीएफ भेजें हमारे यहाँ, मैं चेक करता हूँ सर। आप मुझे पीडीएफ भेजें और आप मुझे बताएं जब आपने पीडीएफ सेव किया है तो उसमें ऑप्शंस क्या रखे हैं आपने। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज बेसिकली हम स्किन रीटचिंग टूल्स वगैरह और इनको देखेंगे, क्लोनिंग टूल्स को देखेंगे। उसके अलावा मैं क्रॉप टूल वगैरह इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ कोई ऐसी इमेज जिसमें स्किन रीटचिंग की ज़रूरत हो। फॉर एग्जाम्पल फेस स्किन हेयर। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस तरह की कोई पिक्चर हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम ले आते हैं फोटोशॉप पर। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ये, यहाँ तक हमने टूल्स पढ़ लिए थे। मूव टूल था, ठीक है, यहाँ पर मूव टूल था, सिलेक्शन टूल है, पॉलीगॉन सिलेक्शन है, क्विक सिलेक्शन मैजिक वॉन्ड है। उसके अलावा यहाँ पे क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल बेसिकली क्या करता है कि आपकी इमेज को सिंपली क्रॉप करता है। ये मैं आपको क्विकली बता दूँ, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। यानी ये देखें, क्रॉप टूल जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपकी इमेज के इर्द गिर्द जो है इस तरह ये क्रॉप मार्क्स बन जाते हैं और आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो।
यानी इसको इस तरह प्रेस करें, यहाँ पर आपने क्रॉप कर ली, जिस तरह एक नॉर्मल क्रॉपिंग ऑफ इमेज होती है, जिस तरह इंस्टाग्राम में आप करते हैं, किसी भी एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं, इस तरह यहाँ पे आप क्रॉप करके जब आपने फाइनलाइज कर लिया अपना फ्रेम, तो यहाँ से आप राइट क्लिक कर दें तो ये आपकी इमेज क्रॉप हो जाती है। मैं कंट्रोल जी करके बैक पे आ गया हूँ। आप अपनी इमेज को इस तरह क्रॉप कर सकते हो। और अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ बस ऑप्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे क्रॉप करते हो इस तरह, यहाँ पे आपने इमेज को क्रॉप किया, ये जो फेडेड सा एरिया है ये शो कर रहा है कि ये क्रॉप हो जाएगा और बाकी एरिया आपका रह जाएगा। ऑल राइट, ठीक है, ये आप लोग ने जहन में रखना है। दूसरी चीज ये कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना एक ऑप्शन है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स का। आप जब क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, इमेज की, फॉर एग्जाम्पल आपने ये एरिया इस तरह यहाँ तक क्रॉप कर लिया, अब ये वाला जो एरिया है, ये जो शेडेड है, डार्क शेडेड है, यहाँ पर डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स का ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ है। जब मैं यहाँ से टिक मार्क करूंगा यानी क्रॉप करूंगा, तो ये जो पिक्सल्स हैं यानी ये जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ से वो कट हो गई, डिलीट हो गई, क्योंकि हमने डिलीट क्रॉप पिक्सल्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था। हमने जब इसको क्रॉप किया तो ये जो शेडेड एरियाज थे ये डिलीट हो जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल इनके इर्द गिर्द साइड पे कुछ भी नहीं रहा। लेकिन एक और ऑप्शन होता है क्रॉप करने का फॉर द सेफ साइड, कि आप क्या करते हो कि जब आप क्रॉपिंग करते हो, जब आप क्रॉपिंग करते हो तो आप फॉर एग्जाम्पल डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को अनटिक कर देते हो और फिर आप क्रॉपिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्रॉप कर लिया यहाँ तक, ठीक है, ओके, अभी भी वही चीज हुई है। अब आप कहेंगे सर इसमें फर्क क्या था, इसमें सिर्फ फर्क ये था कि अब आपके जो पिक्सल्स हैं साइड से डिलीट नहीं हुए, सिर्फ आपका फ्रेम क्रॉप हो गया लेकिन आपकी पीछे से इमेज डिलीट नहीं हुई। तो आप फिर बाद में इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं कि आप इस फ्रेम के अंदर इमेज का कौन सा हिस्सा दिखाना चाहते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, यानी आप फ्रेम प्लस इमेज दोनों को कटआउट कर सकते हैं व्हेन यू सेलेक्ट डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, या आप सिर्फ फ्रेम को कटआउट कर सकते हैं और पिक्सल्स को ना करें व्हेन यू डी सेलेक्ट, यानी आप जब अनसेलेक्ट कर देते हैं डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को। तो ये दोनों तरीके हैं क्रॉप टूल को इस्तेमाल करने का। आप कहते हैं कि सर हमने सिर्फ जो है ना फ्रेम, यानी ये जो फ्रेम है या कैनवस है, सिर्फ इसको क्रॉप करना है, तो उसको क्रॉप करने के लिए आप यहाँ से डिलीट क्रॉप पिक्सल्स को अनटिक रखेंगे, अनटिक रखेंगे। अब आप जब क्रॉप करेंगे, अब ये ज्यादा क्रॉप भी हो सकता है, यानी आप क्रॉप इंक्रीज कर सकते हैं इसका, बिकॉज इसके पीछे इमेज है। ऑलराइट, इसके पीछे इमेज हमने छोड़ी हुई थी, और अगर एक्स्ट्रा कर देंगे तो फिर आपके ये देखें ये ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, यानी आप कैनवस का साइज इससे क्रॉप टूल से आप ना कैनवस का साइज बड़ा इजीली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं इंक्रीज भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये देखें, आप जब स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपको ये हाइट और विड्थ नजर आ रही है, ठीक है, देखें हाइट की वैल्यू आपको ये नजर आ रही है, ये मैं इसको कह देता हूँ 1000 पिक्सल्स मैंने स्ट्रेच किया, और यहाँ से मैंने 1000 नहीं, यहाँ से मैंने 1200 पिक्सल इसकी विड्थ रखी। तो इस तरह आप लोग जो है अपने साइजिंग वगैरह कर सकते हैं। ये सिंपली आपका क्रॉप टूल था, और क्रॉप टूल इसी तरह ही काम करता है। इसको मैं बैक पर ले आता हूँ, और क्रॉप टूल आपके कैनवस के साइज को बड़ा छोटा करने में हेल्प करता है, आपकी इमेज को क्रॉप करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों काम यहाँ पर ये कर रहा है। और क्रॉप टूल के यहाँ से बेसिकली आप स्पेसिफाइड रेशियोज भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि इसके पॉपुलर हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 1:1। अब यही ये रेशियो चलेगा, यानी जब आपने यहाँ से रेशियो सेलेक्ट, यहाँ से एक सेलेक्ट कर लिया बना बनाया, तो फिर वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, फिर ये इसी स्क्वायर में क्रॉप होगा। इसी तरह आपने 4:5 का सेलेक्ट कर लिया, तो अब 4:5 के रेशियो के हिसाब से क्रॉपिंग होगी इमेज की। बस
उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल 16:9 है तो 16:9 के हिसाब से क्रॉपिंग होगी, यानी ये एक रेशियो, एक परमानेंट रेशियो सेलेक्ट हो जाता है जिसके बेसिस पे आपकी जो है ना एक फ्रेम बन जाता है, यानी क्रॉप फ्रेम बन जाता है जिसके बेसिस पे क्रॉपिंग होगी, या आप सिंपली विड्थ एंड हाइट अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 200 × 200, ठीक है, या रेजोल्यूशन यानी इस तरह पिक्सल्स में लिख सकते हैं, या रेशियो लिख सकते हैं यानी 2:2, नहीं 2:2 रेशियो, ठीक है, या रेशियो में लिख सकते हैं या आप इसको पिक्सल्स में लिख सकते हैं, दोनों तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बेशक इसको यहाँ से ये ना ही सेलेक्ट करें, आप अपनी मर्जी का यहाँ से क्रॉप करें तो ज्यादा बेहतर है, जिसमें आपको लिबर्टी हो कि आप कितना मर्जी स्ट्रेच कर रहे हैं कितना मर्जी नहीं स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्रॉप था। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर देखते हैं टूल, बाकी और कोई ऐसे इम्पोर्टेंट टूल नहीं है यहाँ पर। आई ड्रॉपर टूल है, आई ड्रॉपर टूल इज काइंड ऑफ सिमिलर टू हाउ इट इज इन इलस्ट्रेटर, इट्स लाइक वर्क्स फॉर पिकिंग अप कलर्स, ठीक है। अगर ऑल्ट दबा के आई ड्रॉपर टूल पे, ऑल्ट दबाकर आई ड्रॉपर टूल से क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर पिक हो जाएगा, अगर सिंपली क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फोरग्राउंड पे कलर पिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कोई दूसरी इमेज लेकर आते हैं, ये देखिएगा अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पर्पल इधर आ गया, और ऑल्ट दबाकर जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये येलो इधर आ गया, ऑल्ट दबाकर जब आप क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड पे कलर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आई ड्रॉपर टूल परफॉर्म कर रहा है चीज, बाकी टूल्स की अभी इतनी जरूरत नहीं है आई ड्रॉपर टूल, क्योंकि हम इलस्ट्रेटर में पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टूल्स जो हैं जिनका आज हमने लेक्चर लेना है, जो कि है हीलिंग टूल्स, जिसको हम लोग यहाँ पर इस इमेज पे स्किन पे परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि ये स्पॉट्स अगर रिमूव होते हैं कि नहीं होते। आप इसे थोड़ा सा इमेज क्रॉप कर लें, ऑलराइट। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो आई ड्रॉपर के बाद ही हमारे पास टूल्स हैं, और इनको अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने ये टूल्स ढूंढने हैं, स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल, इन दोनों को हम परफॉर्म करके देखेंगे। इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, इन दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा, सिचुएशंस भी बताऊंगा कि किन सिचुएशंस में ये बेसिकली अप्लाई होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपके पास स्पॉट हीलिंग ब्रश है। अच्छा, ये ब्रश टूल्स हैं, यानी कुछ टूल्स है ना, कुछ टूल्स ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको ब्रश मिलेगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल था, क्विक सिलेक्शन टूल था, ये भी ब्रश था, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके स्पॉट हीलिंग है, ये भी ब्रश है, ऑलराइट। तो कुछ टूल्स ऐसे होंगे आपको फोटोशॉप में जो कि आपको ब्रश की फॉर्म में मिलेंगे, यानी ब्रश एज अ ब्रश आप उसको यूज करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ देम। आप यहाँ से इसका ब्रश साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आपने ना एक दफा ब्रश की सेटिंग्स जरा चेक कर लेनी है, इधर से साइजेस वगैरह, हार्डनेस वगैरह, स्पेसिंग वगैरह। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि ये क्या होती है किसी भी ब्रश की ना साइज और स्पेसिंग और क्या कहते हैं हार्डनेस। अब फॉर एग्जाम्पल आप वैसे ही ब्रश ले लें, आपने ब्रश ले लिया, नॉर्मल ब्रश जो हम यूज करते हैं, आप इसकी सेटिंग में जाएं तो यहाँ पर आपको साइज मिल रहा है, ठीक है, हार्डनेस मिल रही है और यहाँ से स्पेसिंग मिल रही है। आई डोंट नो यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा, बट एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्पॉट हीलिंग में चले जाते हैं। अब यहाँ से आपको साइज मिल रहा है, हार्डनेस मिल रही है, स्पेसिंग मिल रही है और यहाँ पे साइज पेन प्रेशर मिल रहा है। तो आप लोगों ने क्या कहते हैं, स्पेसिंग आपने 25 ही रहने देनी है। स्पेसिंग बेसिकली होता है कि जिस तरह आप ब्रश इस्तेमाल करते हो,
तो इसके दरमियान आपको फॉर एग्जांपल स्पेस कितनी मिल रही है, यानी इसकी सेटिंग्स में जरा दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स में स्पेसिंग 25 हुई है। अगर मैं स्पेसिंग ज्यादा कर दूंगा तो फिर हमारा ब्रश इस तरह यूज होगा, ठीक है। तो स्पेसिंग आपकी 25 होनी चाहिए, 25 या 25 से कम हो तो बेहतर है। दैट वर्क्स फाइन। हार्डनेस बेसिकली होता है कि आपकी कितनी ज्यादा सॉफ्ट एजेस बनेंगे। अगर हार्ड में फुल कर देता हूँ तो ये देखें आपकी कितने सॉफ्ट एजेस बनेंगे, और ये देखें आपका ये जो ब्रश है ये किस तरह ये खड्डे छोड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें स्पेसिंग का हमने यूज किया हुआ ना, हमने इसमें स्पेसिंग जरा ज्यादा की हुई है, इसमें 25 की हुई है। अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो फिर ये बिल्कुल क्लियर बन रहा है। तो इसका मतलब है जब आप हार्डनेस आपकी ज्यादा हो तो फिर आप स्पेसिंग कम कर लें, जब आपकी हार्डनेस ज्यादा हो तो फिर आप स्पेसिंग कम कर लें, लेकिन अगर आपकी हार्डनेस 50 तक हो तो फिर आप स्पेसिंग 25 तक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिंग का आप लोग को आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्पेसिंग होती है कि किस तरह आपका पेंट ब्रश जो है बीच में स्पेसेस छोड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिंग बढ़ा देते तो इस तरह डॉट 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 करके आपका पेंट ब्रश अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जब आप फॉर एग्जाम्पल इस पे स्पॉट हीलिंग पे अप्लाई करने लगेंगे तो मेरा जो ख्याल है उसमें आप लोग साइज आप लोग जो मर्जी रख लें, हार्डनेस आप लोग तकरीबन 60% रख लें, ओके। स्पेसिंग आप 25 ही रहने दें। पेन प्रेशर जो है ये आप ऑफ कर लें। पेन प्रेशर ये होता है फॉर एग्जांपल कि जब कुछ लोग आईपैड यूज करते हैं, कुछ लोग वो स्टाइलस पैड यूज करते हैं, तो उसपे आप पेन से डिजाइनिंग करते हैं या पेन से कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए पेन प्रेशर होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग तो माउस से यूज करें तो हम पेन प्रेशर को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। सो यहाँ पर अब हमारे पास सेटिंग्स ब्रश की हो चुकी हैं, और इसको मैं बंद कर लेता हूँ। और यहाँ से स्पॉट हीलिंग टूल हमने सिलेक्ट कर लिया। साइज थोड़ा सा मिनिमल आप रख लेते हैं, जितना स्पॉट होगा उतना साइज आपने रखना है। एक और चीज करनी है आपने लेयरिंग सिस्टम पे, वो ये करनी है कि जब आप स्पॉट हीलिंग टूल अप्लाई करने लगेंगे तो आपने एक सेपरेट लेयर बना लेनी है। लेकिन मैं आप लोगों को पहले अप्लाई करके दिखाता हूँ कि जब ये स्पॉट हीलिंग टूल आप अप्लाई करते हैं, ब्रश की सेटिंग्स आपने सारी कर ली, तो होता क्या है। अब ये देखिएगा, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एक स्पॉट पे गायब, इस पे मैंने क्लिक किया गायब गायब गायब, ठीक है। तो दिस इज हाउ स्पॉट हीलिंग टूल वर्क्स। ये क्या करता है, ये करता है कि बेसिकली इर्द गिर्द जो स्किन होती है उससे सैंपलिंग करके जब आप एक स्पॉट पे क्लिक करते हो तो वहां से उस स्पॉट को वो गायब कर देता है। अब कितना इफेक्टिवली गायब करता है वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये परफॉर्म कर रहा है स्पॉट्स के लिए खासतौर पर। देखिए करीब से देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे मसला नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम दूर से देखें तो इट्स लुकिंग काइंड ऑफ फाइन सेटिस्फैक्ट्री, ओके। तो ये बेसिकली स्पॉट हीलिंग टूल करता है कि ये ना स्पॉट्स पर काम करता है। जो स्पॉट्स अकेले अकेले स्पॉट्स नहीं होते, जिस तरह यहाँ पे ये अलग स्पॉट है, ये अलग स्पॉट है, ये अलग स्पॉट है, इन पे बहुत इफेक्टिवली काम करता है। अब ये स्पॉट्स जो है ये जुड़े हुए हैं। आई एम सॉरी आप लोगों को मे बी थोड़ा सा ये अजीब लग रहा हो देख के, लेकिन ये इसी तरह स्किन रिटचिंग में इसी तरह के आप लोग को ऑर्डर्स आते हैं, यानी अंग्रेज होते हैं कहते हैं हमारी स्किन है इसको साफ करके दें, तो ये होता है। तो इसलिए आई हैव टू यू नो चूज अ पिक्चर लाइक दिस, बट यू हैव टू बेयर इट विथ मी। स्पॉट हीलिंग है तो इसमें अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें इतना अफेक्टिव नहीं हो रहा, बिकॉज ये स्पॉट्स आपस में जुड़े हुए हैं, ओके। तो स्पॉट हीलिंग टूल का रूल क्या है, स्पॉट हीलिंग टूल कहता है कि आप मुझे अप्लाई करो ऐसे स्पॉट पे जो कि बिल्कुल सेपरेट स्किन पे पड़ा हो, जिसके इर्द गिर्द कोई और स्पॉट ना हो, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि इसमें फॉर एग्जांपल आपने स्पॉट हीलिंग में हार्डनेस वगैरह मैनेज करनी है। अगर हार्डनेस आपका ये अफेक्ट जो है आपको, ये देखिएगा ये एक राउंड सा थोड़ा सा एक शेड क्रिएट हो गया, अगर ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव क्रिएट हो रहा है तो
तो आप अपने स्पॉट हीलिंग टूल की जो है हार्डनेस वगैरह को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस कम करके देखें, अब देखें थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आपको इफेक्ट नजर आ रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट इफेक्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, जिसमें से दो ऑप्शंस हम लोग यूज करते हैं, एक कंटेंट अवेयर है, एक प्रॉक्सिमिटी मैच है। कंटेंट अवेयर कहता है कि फॉर एग्जांपल आप जब स्पॉट पे क्लिक करोगे तो ये इर्द गिर्द की स्किन को लेकर आपकी इस स्पॉट के ऊपर ब्लेंड कर देगा, ताकि ये ओरिजिनली लगे कि स्किन का हिस्सा है। और प्रॉक्सिमिटी मैच जो है आपका फॉर एग्जांपल एक मैच बनाएगा, यानी कि आपके इर्द गिर्द जो स्किन है वो उनमें लाइटनेस और डार्कनेस कितनी है, और उसके हिसाब से वो आपकी स्किन की जो मैचिंग है वो करता है। आप दोनों ऑप्शन जो है अप्लाई करके देखें, फॉर एग्जांपल कंटेंट अवेयर और प्रॉक्सिमिटी मैच, और आप देखें किसमें आपको ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल रहा है। मेरे ख्याल से राइट नाउ आई एम फीलिंग कि मुझे प्रॉक्सिमिटी मैच में ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिला है, बट ये आपकी नजर, आपकी जजमेंट भी हो सकती है। इसमें डिफ्यूजन रेट आपने 5% ही रखना है, और इस तरह आप बेसिकली स्पॉट हीलिंग टूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मैच इतना इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं, दूर से देखते हैं तो यस इट इज वर्किंग फाइन। जैसे कि ना प्रॉक्सिमिटी मैच जो है क्या करता है कि इर्द गिर्द, यहाँ देखें ये आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइट है, तो उसने भी यहाँ पे जो स्किन रिप्रोड्यूस की वो ब्राइट स्किन है, लेकिन कॉन्टेंट अवेयर से करूँ तो डल स्किन होगी। देखें तो ये बुरी लग रही है, यानी वो इसको डल स्किन को पिक कर रहा है। प्रॉक्सिमिटी मैच जो है वो इर्द गिर्द के ब्राइट एरियाज को पिक करता है, तो प्रॉक्सिमिटी मैच इज द वन आई गेस वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है इस केस में। और अब आपकी स्किन काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं लग रही। अच्छा, आप ये भी नहीं कि सारे धब्बे ही आप रिमूव कर सकें, ये बहुत अनरियलिस्टिक हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक स्किन जो होती है उसके पोर्स होते हैं, ठीक है, टेक्सचर होता है। अगर आप एक टेक्सचर को ही बिल्कुल खत्म कर देंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल कार्टूनी स्किन बन जाएगी। तो हम लोग ने ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही मार्क्स को खत्म कर दें, थोड़ा सा एरियाज आप रहने देते हैं। हम ये देखें थोड़ा सा ये एरिया रह गया तो मैं इसको रहने दूंगा, ये वाला एरिया रह गया तो मैं रहने दूंगा, ताकि रियलिस्टिक लगे। तो ये स्पॉट हीलिंग टूल है। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जाम्पल एडिटिंग करनी है, तो अब मसला ये कि मुझे पीछे जाना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस जी करके मुझे अब उस पॉइंट पे आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ यार यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन फिर क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप परफॉर्म करते गए करते गए करते गए, लेकिन आपको दोबारा से पीछे आना पड़ गया, तो फिर सारे बैकवर्ड हो गया। ऑलराइट, तो सोल्यूशन फिर ये है कि आप लोग एक एक फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास एक ऐसी लेयर हो जिसपे अलग से ये एडिटिंग हो रही हो, एक ऐसी लेयर हो, सेपरेट लेयर हो जिसपे अलग से एडिटिंग हो रही हो, ताकि हमारी ये एडिट करने की जो प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व हो जाए। तो इसका सोल्यूशन ये है मेरे पास कि हम लोग क्या करेंगे कि एक ब्लैंक लेयर बनाएंगे, यहाँ पर एक बिल्कुल ब्लैंक लेयर बनाएंगे, और यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन है उसको हम कहेंगे सैंपल ऑल लेयर्स। सैंपल ऑल लेयर्स से मुराद ये कि ऑल तो ये लेयर ब्लैंक है, बट ये सैंपलिंग किससे करेगी? इससे, ठीक है। तो जब आप स्पॉट हीलिंग टूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप लोग ने ये करना है कि आप लोग ने एक ब्लैंक लेयर बनानी है, और आप लोग ने यहाँ से सैंपल ऑल लेयर सेलेक्ट कर लेना है। अब आप ब्लैंक लेयर को ही सेलेक्ट रखें यहाँ से। नाउ अप्लाई स्पॉट हीलिंग टूल, अप्लाई हो रहा है। अब आप सोच रहे भाई किस तरह अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने तो यानी लेयर तो ब्लैंक है बिल्कुल, लेकिन इस पे क्या ये अप्लाई हो रहा है, ये स्किन क्यों अप्लाई हो रहा है? बिकॉज ये ब्लैंक लेयर इससे सैंपलिंग ले रही है। हमने यहाँ से क्या कर लिया, सैंपल ऑल लेयर्स। तो ऑल लेयर्स में फिर ये वाली सैंपलिंग ले रहा है ना, इसके अंदर पिक्सल है ना, इसके अंदर तो पिक्सल नहीं है, तो ये वाली लेयर फिर इससे सैंपलिंग कर रही है। अब आप देखें आपने जो एक्शन परफॉर्म किया है ये एक सेपरेट लेयर पर आ चुका है, आप इसको मूव भी कर सकते हैं, देखें आपके ये सेपरेट लेयर पर आ चुका है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि सर हम इसको यहाँ से हम एक सिर्फ हिस्सा रिमूव करना चाह रहे हैं,
तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसी लेयर पे एक लेयर मास्क ऐड कर दें और ब्लैक पेंट ब्रश लें और रिमूव करें जहां से आपने रिमूव करना है, यहां पे रहने दें। दोबारा से रिवाइव करना है तो दोबारा से व्हाइट कलर अप्लाई कर दें आप। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हेयर इज कि आप लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक लेयर बनाएंगे, उसको सैंपल ऑल लेयर करेंगे और उस ब्लैंक लेयर को सिलेक्ट करते हुए अपना स्पॉट हीलिंग टूल अप्लाई करेंगे। जब आपका अप्लाई हो जाएगा फिर आपको बाद में बेशक 1 महीने बाद याद आया कि नहीं यार मुझे इसमें एडिटिंग करनी चाहिए, तो आप कंट्रोल प्लस जी तो नहीं कर सकते। फिर आप इसी लेयर पे ना एक लेयर मास्क ऐड करके ना उसमें, क्योंकि लेयर मास्क ऐड करने से क्या होता है कि आप किसी भी लेयर में कोई भी चीज हाइड या अनहाइड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेयर मास्क को यहाँ डिलीट कर देता हूँ, यानी मैं कह रहा हूँ मैंने लेयर मास्क नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हाइड और अनहाइड वैसे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस लेयर के अंदर मैं अगर रेजर इरेजर से डिलीट करूँ तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। मसला ये है, इरेजर से डिलीट किया तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं परमानेंटली डिलीट नहीं करने के लिए मैंने आप लोग को एक ही हल बताया है, दैट इज ऑफ लेयर मास्क। तो अगर मैं लेयर मास्क इस पे अप्लाई कर दूंगा तो फिर आप इसमें मैं जो मर्जी रिमूव करूं या जो मर्जी दोबारा से रिवील करूं वो मेरी मर्जी है। ये देखें, ब्लैक पेंट ब्रश मैंने फेरा तो यहां से ये इफेक्ट रिमूव हो गया, इधर भी फेरा यहां से इफेक्ट रिमूव हो गया। तो ये हमारा बेसिकली यहां से इफेक्ट जो है ये दोबारा से रिमूव हो गया। अगर मैं दोबारा से इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ यही, तो इस पे मैं व्हाइट पेंट ब्रश यहाँ से फेरूंगा तो ये देखें यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेयर मास्क एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ सैम्पलिंग ऑल लेयर्स। जो पहले मैंने आपको तरीका बताया था वो डिस्ट्रक्टिव था, उस तरह आप लोग ने नहीं करना परफॉर्म। आप लोग ने हमेशा एक ब्लैंक लेयर बनाकर सैंपल ऑल लेयर्स करके उसके साथ एक लेयर मास्क बनाकर फिर काम करना शुरू करना। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्पॉट हीलिंग को। अच्छा, स्पॉट हीलिंग अब किस तरह काम करता है, स्पॉट हीलिंग को भी देख लेते हैं। सॉरी, स्पॉट हीलिंग हम देख चुके हैं, हमने अब हीलिंग ब्रश को देखना है। स्पॉट हीलिंग हम देख चुके हैं, अब हमने हीलिंग ब्रश को देखना है। ओके, अब मैं आप लोग को इन दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा कि भाई ये स्पॉट हीलिंग में और हीलिंग में फर्क क्या है। तो आइए देखते हैं। मैं ये स्पॉट हीलिंग वाला जो है ना खत्म कर रहा हूँ। ओके, हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल काम करता है बाय टेकिंग सैंपल्स। हीलिंग ब्रश टूल कहता है कि भाई मैं सैंपल्स लूंगा तो फिर मैं काम कर सकता हूँ। ओके, इट टेक सैंपल्स, यानी आप इस पे अप्लाई करें तो ये देखिए आपको कह रहा है ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। वो क्या कहता है, हीलिंग ब्रश टूल कहता है कि आप स्किन के किसी साफ हिस्से का सैंपल लो और इस पे अप्लाई करो ताकि ये सही हो जाए। क्या कह रहा है कि स्किन का कोई साफ हिस्सा हो उसको आप सैंपल करो, फिर वो उसको आप बुरे हिस्से पे अप्लाई करो तो वो साफ हो जाए। ऑलराइट, तो ये देखिएगा, मैं अगर ये स्किन का ये वाला हिस्सा मैंने सैंपल किया है और मैं इसको यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ पर इस तरह थोड़ा सा ये इफेक्ट दे रहा है। इस तरह वन बाय वन में सैंपल लेके अप्लाई करता जाऊंगा और इस हिस्से को साफ करता जाऊंगा। एक दफा ऑल्ट दबा के क्लिक करना है, फिर क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, बहुत ज्यादा ड्रैग भी नहीं करना, हल्का सा ड्रैग करना है।
ठीक है, तो इस तरह आप देखें ये हम लोगों ने यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब आप कहेंगे सर फिर हम स्पॉट हीलिंग क्यों यूज कर रहे हैं, हीलिंग और इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, किस तरह डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। तो फर्क तो है इसमें, और फर्क ये है कि स्पॉट हीलिंग बेसिकली जो है ना वो सिंपली उसका जो हम जब इस्तेमाल करते हैं स्पॉट हीलिंग को, तो वो सिंपली अपने इर्द गिर्द के इंस्टिंक्ट्स पे बिलीव करता है और वो उसको रिमूव कर देता है स्पॉट को। हीलिंग ब्रश क्या करता है, उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कहीं से भी जो हमें स्किन का एरिया साफ लग रहा है वहां से, कहीं से भी नहीं, सबसे करीब से हमने देखे स्किन का ना टेक्सचर को थोड़ा सा मेंटेन रखना है, ओरिजिनल रखना है। अब ये नहीं कि मैं स्किन के ये वाला हिस्सा साफ है तो यहां से उठा के मैं यहाँ पे सैम्पलिंग कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं करना। यहां से उठा के मैं यहाँ पे आके सैम्पलिंग कर रहा हूँ, इट वुड गिव एन अनरियलिस्टिक लुक। ये देखें उसके पोर्स खत्म हो गए, यहाँ से उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। तो हम क्या करते हैं, स्किन का जो सबसे क्लोज हिस्सा साफ सुथरा होता है उसको हम लेते हैं, ये वाला हिस्सा हमने लिया, इसको हल्का सा थोड़ा सा ड्रैग करके इस पे अप्लाई किया, फिर ये वाला हिस्सा लिया हल्का सा ड्रैग करके अप्लाई किया, और देखिएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो पोर्स की जो डायरेक्शन है मैं उस तरफ ब्रश अप्लाई करूं। नाउ सी, आपके पूरा ये रिमूव हो गया और आपकी ये जो पोर्स की डायरेक्शन है बिल्कुल साफ सुथरी लग रही है कि एक ही डायरेक्शन में चल रही है। ये है स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल क्या करता है, यहां से आपने स्किन सैंपल लिया ना, फॉर एग्जांपल यहां से आपने स्किन सैंपल लिया और यहाँ पर यहां से स्किन सैंपल लिया, ऑल्ट ऑल्ट दबा के रखना है आपने, ऑल्ट दबा के रखेंगे ये एरो का निशान आएगा, आपने क्लिक करना है, फिर ऑल छोड़ देंगे, फिर कहीं पे जाके आपने अप्लाई कर देना। होता ये है, ये स्पॉट हीलिंग का एक रूल है कि यहां से जो स्किन आपने उठाई है और दूसरी स्किन पे जाके जो अप्लाई कर रहे हैं वो आपस में ब्लेंड करते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, हीलिंग ब्रश में ब्लेंडिंग होती है, जब आप एक जगह से सैंपल लेते हैं दूसरी जगह पे जाके अप्लाई करते हैं तो ब्लेंडिंग होती है। और यानी ऐसा नहीं होता कि यही स्किन एग्जैक्टली दूसरी जगह पे जाकर ऊपर लेप हो जाए, यानी अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं है। वो उस स्किन के ऊपर जाती है, वो वाली स्किन और जो पीछे आपने सैंपल लिया वो आपस में मिलकर एक आप एक ब्लेंड क्रिएट करते हैं। ये हमेशा आपने याद रखना है, हीलिंग टूल इस तरह काम करता है। अब फर्क देख लेते हैं इन दोनों में। मैं दोनों स्पॉट जो है हीलिंग से और स्पॉट हीलिंग से रिमूव करके आप लोगों को दिखाता हूँ। उसमें पहले मैं जो है फॉर एग्जाम्पल स्पॉट हीलिंग से रिमूव करता हूँ। वो इस तरह दिख रहा है, फिर मैं एक और लेयर बनाता हूँ और मैं हीलिंग ब्रश से रिमूव करता हूँ। अच्छा, हीलिंग ब्रश में आप लोगों ने सैंपल में करंट एंड बिलो या ऑल लेयर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें सेकंड लेयर है तो इसके बिलो कौन सी है, लेयर नंबर 0, यही वही वाला ऑप्शन है स्पॉट हीलिंग वाला, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ब्लैंक लेयर पे सैम्पलिंग करूँ इसकी, तो मैं इसको करंट एंड बिलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ राम राम से। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, हीलिंग टूल टाइम टेकिंग प्रोसेस है, स्पॉट टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा स्पॉट से ही फिर बेहतर आते हैं। सो एक आपका ये था और फिर एक ये है, कौन सा आपको बेहतर लग रहा है, जरा जूम इन करके देखें आप इसको, देखें या इसको देखें। इसमें देखें आपका स्किन जो पीछे से चल रही है वो मर्ज हो गई है हीलिंग में, स्पॉट हीलिंग में ऐसा नहीं है, जो पीछे से स्किन चल रही हो यहाँ पे आके ब्लर हो गई है।
दिस इज द प्रॉब्लम विथ स्पॉट हीलिंग. स्पॉट हीलिंग जो है ना, है काफी क्विक है, लेकिन वो मैं जो रेकमेंड करता हूँ ना, वो इस तरह के छोटे स्पॉट्स है ना, इस पे बहुत इफेक्टिवली काम करता है स्पॉट हीलिंग. इस तरह के जो छोटे स्पॉट्स है ना, उस पे आप लोग अप्लाई करवाएं स्पॉट हीलिंग को, स्मॉल स्पॉट्स. दैट्स इट, वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे. बड़े स्पॉट्स पे आप लोग ना अप्लाई करवाएं. बड़े स्पॉट्स पे मैं आपको रेकमेंड करता हूँ हीलिंग टूल ही अप्लाई करें. दूसरा ये, अब ये देखिएगा, यहाँ पर भी स्पॉट हीलिंग आपका अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज ये जुड़े हुए हैं जो पिंपल्स हैं. सो यहाँ पर भी हम लोग स्पॉट हीलिंग अगर मैं अप्लाई करता भी हूँ, तो बड़ा ही बुरा सा रिजल्ट हमें मिल रहा है, ये देखें. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें हीलिंग टूल ही अप्लाई करना पड़ेगा. आई नो ये थोड़ी सी क्लास, ये वाली हीलिंग वाली थोड़ी सी इस तरह की होती है. We have to work on some bad things, but I have to explain it to you as well. अब ये देखें, ये attached हैं, तो इनको मैं spot healing से नहीं कर सकता, healing से ही remove करूंगा. One by one sample लेकर, अभी मैं बहुत तेजी तेजी में कर रहा हूँ. आप इसको टाइम लेकर भी कर सकते हैं, आराम से साफ सुथराई के साथ. अच्छा, ये रेड एरिया ना ही हटे तो बेहतर है, यानी थोड़ा सा रेड एरिया रहना भी चाहिए, क्योंकि अनरियलिस्टिक हो जाएगा वरना. So, अभी तक देखते हैं कितना रिमूव हुआ, यहां से थोड़ा सा रह गया. आपने बार बार एक सैंपल लेना है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ही सैंपल से नहीं, एक ही सैंपल ले लिया तो भाई हर जगह पे वही अप्लाई हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, जी स्किन साफ हो रही है. स्किन साफ तो आपको दूर से लग रही है, जब आप करीब जाके देखेंगे तो क्या आपका टेक्सचर का जो वो मचेगा, ये देखें, सारा टेक्सचर आपका खराब हो गया स्किन का. तो एक ही सैंपल नहीं लेना, छोटे छोटे बार बार सैंपल लेने, बार बार सैंपल लेने, बार बार सैंपल लेने. आप ये देखें, आपका ये जो है अलग लेयर पे बन रहा है, ये इसको मैं कह देता हूँ ये हीलिंग ब्रश का है, मैं कह देता हूँ ये स्पॉट हीलिंग है. हीलिंग ब्रश से हमें ज्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट्स मिल रहे हैं. अब ये देखें, ये लग रहा है कि रिमूव हुए में, ऐसा नहीं होता. जब आपका कोई पिंपल आता है तो आप जब उस पर क्रीम अप्लाई करते हैं, तो जब पिंपल चला जाता है तो उसका निशान रह जाता है, तो वो भी तो एक रियलिस्टिक अपेयरेंस होती है ना. तो ये देखें, रियलिस्टिक अपेयरेंस लग रही है, पिम्पल था, रिमूव हो गया. दैट्स इट. तो दिस इज हाउ यू बेसिकली यू नो क्लियर द स्किन आउट. जहां इस तरह के छोटे छोटे स्पॉट्स है ना, वहां पे स्पॉट हीलिंग आप अप्लाई करें. ठीक है, दोनों को साथ ना अप्लाई करें, आप दोनों को अलग अलग लेयर्स पर आप अप्लाई करें, ताकि आपकी जो है स्पॉट हीलिंग और हीलिंग जो है वो सेपरेट रहे. यहाँ तक कोई सवाल आप लोग के माइंड में आ रहा हो कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, कुछ समझ ना आई हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्ट किस सेंस में आप कह रहे हैं मोहम्मद आसिफ, यानी जो इन्वर्ट मैंने कल बताया था उसको आप कह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम सलीम, मेरा आलसा बहुत लेट आए. ठीक
कोई और क्वेश्चन कंफ्यूजन जो आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट का आप पूछ रहे हैं। यार, ब्लैक एंड व्हाइट को कन्वर्ट करने के लिए वैसे तो आप लोग ह्यूएन सेचुरेशन भी कलर यूज कर सकते हैं। वैसे मैं उसका देखूंगा ट्यूटोरियल्स, क्योंकि यही टूल्स यूज होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट यूज हो सकते हैं, ह्यूएन सेचुरेशन का एडजस्टमेंट टूल यूज हो सकता है, या सेलेक्टिव कलर का एडजस्टमेंट टूल यूज हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। जी बिल्कुल, एक ही टूल लेकर आपने सारा क्लियर नहीं करना, यही तो पॉइंट है। क्योंकि आपने स्किन की जो है ना, आपने ओरिजिनलिटी वो मेंटेन रखनी है। और स्किन की फॉर एग्जांपल, आपने इस तरह नहीं है कि आपने बस एक ही सैंपल लिया तो सारा फेर दिया, उसे ही होता है आपकी स्किन की ओरिजिनलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास, वो स्किन रिटचिंग से रिलेटेड नहीं है, वो पैचिंग से रिलेटेड है, और आप काफी इफेक्टिवली उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नाम है पैच टूल, यहाँ पर है पैच टूल। ओके, सो उसके लिए मैं कोई और इमेज ले आता हूँ। अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। अजान हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं, मिस होने वाली है। चलें स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास टूल, उसको हम कहेंगे पैच टूल, और पैच टूल देख लेते हैं किस तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल, मैं ये वाली इमेज एक लेकर आया हूँ इसके लिए। ओके, सो यहाँ पर अब ये हमारे पास कुछ बीन्स हैं, मैं इसके पैचेस बनाऊंगा और देखूंगा कि ये किस तरह वर्क करेंगे इसमें। यहाँ पर आप लोग के पास नीचे ही पैच टूल है, और पैच टूल इज अ सिलेक्शन टूल, काइंड ऑफ इट्स अ सिलेक्शन टूल। जिस तरह हमारे पास लेसो टूल है या पॉलीगॉन टूल है, इसी तरह पैच टूल हमारा एक सिलेक्शन टूल है। हम लोग बेसिकली पैच क्या होता है, जब आप एक पेंट पे या शर्ट पे कोई पैच आप लगाते हैं, यानी शर्ट फट जाए तो पैच लगा दिया उस पर, या पेंट फट जाए तो उस पर पैच लगा दिया, तो पैचिंग जो होती है उसको उसी तरह ही यहाँ पे भी काम करता है ये।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से ये आपने पैच टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है सोर्स और एक ऑप्शन है डेस्टिनेशन। अच्छा, सोर्स का मतलब क्या है? सोर्स का मतलब ये कि आपने जिस एरिया को पैच किया है आप किसी और हिस्से से उसको वहां पर रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने इसको इसको पैच करना है, इस एरिया को पैच करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सोर्स किया हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि इसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूं इमेज के इस हिस्से से, तो मैं इसको ड्रैग करके यहां पर लेकर आऊंगा, इधर लेकर आऊंगा और छोड़ दूंगा अपना माउस कंट्रोल डी। अब यहां से ये बेसिकली ये वाला हिस्सा यहाँ पर आकर रिप्लेस हो गया, यानी ब्लेंड हो गया और आपके बीन्स गायब हो गए। ठीक है, क्या हुआ अगेन देख ले, हुआ ये कि ये मैंने कहा कि भाई ये वाला जो मैंने हिस्सा है इसको मैंने रिप्लेस करना है इमेज के इस हिस्से से, तो मैं इसको सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग करके उस हिस्से पर लेकर आया और मैंने अपना माउस क्लिक छोड़ दिया। अब ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में ब्लेंड होके इस तरह की शक्ल दे रहा है मुझे। दिस इज व्हाट यू कॉल सोर्स पैचिंग। इसको हम सोर्स पैचिंग कहते हैं कि आप किसी इमेज के हिस्से को रिप्लेस करते हैं इमेज के दूसरे हिस्से से। आप कहते हैं कि भाई इसको मैंने रिप्लेस करना है इमेज के इस हिस्से से, तो ये इधर से यहां पे ये रिप्लेस हो जाएगा, ये बीन यहाँ पे रिप्लेस हो गया उस पे इमेज के हिस्से से। बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह सिंपली सोर्सिंग से कोई भी चीज रिमूव कर सकते हैं या कोई भी चीज आप कहीं पर लेकर भी जा सकते हैं व्हेन यू सिलेक्ट डेस्टिनेशन। नाउ डेस्टिनेशन जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं पीछे आता हूँ, सोर्स की जगह मैं डेस्टिनेशन सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसको कहीं पर लेकर जाऊंगा तो अब क्या होगा कि ये वाली इमेज दूसरी जगह जाकर ब्लेंड हो जाएगी, यानी ये उधर जाकर प्लेस हो जाएगी। डेस्टिनेशन है तो ये इमेज यहां पर आकर ब्लेंड हो जाएगी और प्लेस हो जाएगी इस तरह। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पैच टू, और पैच टूल बहुत इफेक्टिवली काम करता है ऐसी चीजों पर जो कि किसी के साथ अटैच ना हो। ठीक है, अगर ये देखें ये बिल्कुल अलग है, दो बीन्स पड़े हुए, तो इनको मैंने यहाँ से उठाया और मैं कहीं भी जाके इसको प्लेस कर सकता हूँ और ये प्लेस हो जाएंगे। और ये देखिएगा यहाँ पर आके ये लाइट हो रहे हैं, क्यों लाइट हो रहे हैं कोई बता सकता है? यहाँ पर मैं लेकर आया तो ये क्यों लाइट हो गए? कैन एनीवन टेल मी व्हाई डू दे लुक लाइट लाइक दिस? सोचिए जरा इस पे, क्यों ये लाइट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर जब मैं इसको इधर से पैच करके इधर लेकर आता हूं तो ये लाइट हो जाते हैं? ये पता नहीं अजीब बात है, लेकिन अगर मैं इसको पैच करके इधर लेकर आता हूं तो ये डार्क हो जाते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन ये डार्क हो रहा है ये लाइट हो रहा है? ब्लेंडिंग टू द बैकग्राउंड कलर, एग्जैक्टली, ये ब्लेंड हो रहा है आपके बैकग्राउंड कलर से, क्योंकि यहां पर आपका हाइलाइटेड एरिया है, यहां पर आपका शेडोई एरिया है। मेक सेंस? तो अब आप लोग को समझ लगी कि जब आप डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हो एक पिक्सल को दूसरे पिक्सल पे, तो वो वहां जाकर ब्लेंड हो जाता है। ऑलराइट, दिस इज हाउ पैच टूल वर्क्स। पैच टूल, अब यहां पर अगर मैं कहूँ ये बीन्स जो है यहां से, इन बीन्स को जी मैं उठाता हूँ और इनको मैं उठा के इधर प्लेस कर देता हूँ कहीं, या इधर प्लेस कर देता हूँ कहीं, जहां भी आप करना चाह रहे हैं, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं रहता जब आप इतने बड़े सैंपल को लेते हैं। दूसरी चीज ये कि जब आप फॉर एग्जाम्पल इस तरह कोई जुड़ा हुआ हो ना, यानी किसी चीज किसी पिक्सल से कोई बीन जुड़ा हुआ है, ठीक है,
तो उसको भी सैंपल आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो ब्लर कर जाता है, ठीक है, वो ब्लर कर जाता है, तो उसको सैंपल आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, मैं एक मिनट, हाँ अब ये देखिएगा, ये हमारे पास सनसेट है और मैं इस सन को निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक चीज ये कि पैच टूल का जब आप सिलेक्शन टूल यूज करेंगे तो ये बिल्कुल लेसो टूल की तरह है, जैसे लेसो टूल नहीं काम करता उस तरह है। तो आप बेशक कोई और टूल लेकर, यानी ये पॉलीगॉन टूल लेकर आप सिलेक्शन करके, ठीक है, पॉलीगॉन से कर लें, मैग्नेटिक से कर लें, जिससे भी करना चाह रहे हैं, या किसी और से करके, यानी सिलेक्शन टूल से करके, कुछ सिलेक्शन टूल से करके इसकी सिलेक्शन कर लिया आपने, ठीक है, या मैजिक वॉन्ड से कर लें, जिससे भी आपको बेहतर सिलेक्शन मिल रही है, आपने ये सिलेक्शन कर लिया है। और अब आप पैच टूल ले लें और इस एरिया को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर डेस्टिनेट करना हूँ इधर, या इधर, अभी क्यों ब्लेंड हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये इधर के कलर्स पर आकर वाइट कलर आपका मिल रहा है। अगर मैं इसको सोर्स करता हूँ इस तरह का, यहाँ पे ये यह दिख रहा है, ठीक है। तो लेट्स यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल रैंडम में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहां से देखें मैं इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। अब मसला यहाँ पर ये यह हुआ, क्योंकि ये सन यहाँ पर इसके साथ अटैच था, सो दैट इज वाई ये देखें एक स्मजी सा इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो जब आप किसी एक अटैच्ड इमेज को, यानी अटैच पिक्सल को रिप्लेस करते हैं ना, तो आपका एक स्मजी सा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग ने पैच टूल से रिलेटेड बात एक याद रखनी है, ये देखें स्पंज सा इफेक्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर। सो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। बाकी इट्स जस्ट लाइक रिप्लेसिंग, यू नो, आप जो है किसी पिक्सल को कहीं पर लेकर जाकर प्लेस कर सकते हैं किसी, लेकिन मैं इस पर रेकमेंड करूंगा आप छोटे छोटे पिक्सल्स पे काम करो, ऐसे पिक्सल्स पे काम करें जो कि सेपरेट है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये बीन्स है, यहाँ पे मैं बीन्स इंक्रीज कर ही जा रहा था, तो वो अभी आपको लग रहा है कि ये वाला बीन मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ, नहीं लग रहा, बिकॉज ये छोटा पिक्सल है और बिल्कुल क्लोजली मैंने ऐड किया हुआ ताकि वो बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा। दूसरा ये कि ये इसमें पैच टूल में जो है ना सेपरेट वो लेयर नहीं बनती, यानी जिस तरह बनती है लेकिन दूसरे ऑप्शन में बनती है, जब आप मैं पैच टूल सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें मेरे पास वो नहीं आता, यानी सेपरेट लेयर, यानी सैंपल और लेयर वाला, लेकिन एक ये कंटेंट अवेयर वाला है इसमें आ जाता है मेरे पास सैंपल और लेयर्स वाला, लेकिन इसमें सिर्फ सोर्सिंग ही है, इसमें डेस्टिनेशन नहीं है। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, डेस्टिनेशन इसमें नहीं है, तो इसमें आपका है ये सैंपल और लेयर वाला ऑप्शन। तो
तो इस तरह ये आपका पैच टूल बेसिकली काम करता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लैरिटी हुई होगी। उसके अलावा ये दो टूल्स आप लोग रहने दें, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनको पढ़ना। उसके बाद आपके पास आ गया जी क्लोनिंग टूल। क्लोन टूल और अभी हम देखेंगे हीलिंग टूल में क्या फर्क है या पैच टूल में क्या फर्क है। तो क्लोन टूल, अच्छा क्लोन टूल क्या करता है, क्लोन का क्या मतलब होता है? क्लोन का मतलब होता है किसी भी चीज की एग्जैक्ट कॉपी बनाना, किसी भी चीज की 100% डीटो कॉपी बनाना, नॉट इधर से उधर कुछ भी नहीं, एग्जैक्ट कॉपी बनाना। ऑल राइट, नंबर वन चीज तो ये होगी। नंबर टू चीज ये कि जब मैं क्लोनिंग करूंगा यहां पर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं इस चीज की क्लोनिंग करता हूँ। अच्छा क्लोनिंग टूल बाय द वे बिल्कुल जिस तरह आपका हीलिंग ब्रश टूल नहीं काम करता, जिस तरह आप सैंपल लेते हैं ऑल्ट से, क्लोनिंग टूल भी ये कहता है कि अगर मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी, तो वो मुझे कहता है कि ऑल्ट आप दबाओ, आप सैंपल लो, आप सैंपल लो और उसको क्लिक कर दो जहां पर भी आप करना चाह रहे हो। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने ये क्लोनिंग टूल से सैंपल लिया है और यहाँ से मैंने हीलिंग ब्रश से सैंपल लिया है, सेम तरीके से काम करते, लेकिन फर्क देखिएगा क्या फर्क है इन दोनों में। ये हीलिंग ब्रश से मैंने सैंपल लिया है और ये क्लोनिंग टूल से लिया है, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या फर्क नजर आ रहा है इन दोनों में आप लोगों को? फिर बैकग्राउंड शेडो जो ब्लेंड हो जाती है उसको भी क्या हम फिनिश कर सकते हैं? बिल्कुल इसी टूल से ही फिनिश करेंगे। कलर का फर्क आ रहा है, तो कलर का फर्क आ रहा है, बिल्कुल मोहम्मद नईम आपने सही आंसर दिया है। क्लोनिंग टूल आपकी ब्लेंडिंग नहीं कर रहा, हीलिंग टूल आपकी ब्लेंडिंग कर रहा है, यानी यहां से जो उठाया पिक्सल यहां पर लेकर आया तो पीछे बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड कर रहा है। क्लोन टूल का ब्लेंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं। क्लोन टूल कहता है मुझे जिस तरह आपने कॉपी किया उसी तरह जहां पे पेस्ट करो मैं एग्जैक्टली वैसे ही पेस्ट कर दूंगा, मेरा ब्लेंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लोन टूल आपका ये आपको कहता है। अच्छा अब ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसको यहां से मैंने यहाँ पे प्लेस करते देखें, यहाँ पे ये एग्जैक्टली आके प्लेस हो गया। अब ऐसा नहीं कि आपने यही एक सैंपल लिया और वही आप बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, आपकी इमेज सारी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी क्लोनिंग। अच्छा क्लोनिंग के लिए अब आपके पास कौन सी इमेज में आपको देखते हैं यहाँ से, इस तरह यहाँ पे ये सन है, तो सन की अगर मैं एक क्लोन बना लेता हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्लोन यहाँ पे बन गई है। यहाँ पर आपको दो सन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास इमेज थी। ओके ठीक अच्छा फॉर एग्जांपल ये जिस तरह ये इमेजेस हैं हमारे पास, अब क्लोनिंग टूल जो है बहुत सारे यूज करते हैं लोग, यानी कोई भी फॉर एग्जांपल ब्रांड का ना मोनोग्राम रिमूव करने के लिए। ओके सो इस पे काफी ज्यादा एफर्ट भी लगती है आपकी और काफी ज्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। अब इसको आपने किस तरह यूज करना है, इसको आपने क्लोन टूल लेना है। क्लोन टूल लेने के बाद आपने यहाँ से एक ब्लैंक ले ले लेनी, जिस तरह हम लोग स्पॉट हीलिंग और हीलिंग में ले रहे थे, और यहाँ से करंट एंड बिलो सिलेक्ट कर लेना। अब आप वन बाय वन छोटे छोटे सैंपल्स लेकर रिमूव करना शुरू करेंगे। क्लोन टूल आपने लिया, बिल्कुल छोटा आपने कर लिया, यहाँ से एक छोटा सैंपल लिया, इस पे क्लिक किया, यहाँ से एक छोटा सैंपल लिया, इस पे क्लिक किया, छोटे छोटे सैंपल ले लेके आहिस्ता आहिस्ता आप क्लिक करेंगे वन बाय वन। हीलिंग टूल से इसको क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ये येलो के साथ ब्लेंड हो जाएगा हीलिंग।
कोशिश करना है करीब वाला पिक्सल लें, करीब वाला पिक्सल लें, और पैटर्न आपका खराब ना हो। जिस पैटर्न से ये चल रही है, कपड़ा चल रहा है, उसी पैटर्न पे आपका चले। एक मिनट जरा व्यू पे जाके, हाँ ठीक है, आपके ये पैटर्न उसी तरह चलते रहना चाहिए। इसको फुल जूम कर लें आप, ठीक है, मैं इसको कर ही जा रहा हूँ। एंड पे हम रिजल्ट देखते हैं क्या हमारे पास आता है। अब इसको आप छोड़ दें, इस यहां से आप देखें, यहां से आपको कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये रिमूव हुआ हुआ। जरा दूर से देखते हैं, यहां से आपको पता लग रहा है कि रिमूव हुआ हुआ है, नहीं लग रहा। इसी तरह आप ये अब जो है ना शर्ट्स के ऊपर से, जर्सीज के ऊपर से इस तरह मोनोग्राम्स रिमूव करते हैं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, रिमेंबर दैट, बट दिस इज द ओनली वे हाउ यू गोना रिमूव द मोनोग्राम्स फ्रॉम एनी इमेज। अब आप इसको वन बाय वन सारा ये रिमूव करेंगे और पैटर्न्स के हिसाब से रिमूव करेंगे, और फिर ही आपका ये रिमूव होगा। आई होप यू गेट दैट। सर यहाँ ब्रश की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं फॉर रिमूव, बट उस पर टाइम ज्यादा स्पेंड हो रहा है। नहीं, आप क्लोन टूल से करें, अल्लाह का नाम लेकर। और आपके पास अब देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सारी क्लोनिंग बन चुकी है। यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, आप करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो इस पे अब मैं सारा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, बिकॉज इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था ये चीज कि आप लोग इसको अब यहां से ये देखें, सिर्फ मैं पिंक को यहां से मैं इसको नहीं लेकर आऊंगा, ये नहीं करूंगा। अब मैं पिंक कलर ये फॉलो हो रहा है, अब मैं सिर्फ पिंक कलर को अप्लाई करूंगा। देखिए पैटर्न इस तरह चल रहा है, तो मैं इस तरह इस उस पैटर्न में फॉल कर रहा हूं, यानी उस तरह जा रहा हूं मैं। पैटर्न आपने देखना है किस तरह चल रहा है, वरना आपका पैटर्न अगर खराब हो गया तो आपके अनरियलिस्टिक लुक आ जाएगी। ये देखिए बिल्कुल क्लियर यहाँ से रिमूव हो चुका है। सो दिस इज हाउ यू विल डू इट एज वेल। ठीक जी बिल्कुल, इसमें ये भी ब्रश टूल है, ये भी ब्रश टूल है आपका, और इसमें भी एग्जैक्टली ये साइज वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, साइज हार्डनेस वगैरह। ठीक है, वो सारे ये ब्रश टूल वाले ही इसकी सारी ऑप्शन है। तो गाइज ये था आप लोगों का टोटल, जो आप लोगों को मैंने आज बताना था, क्लोनिंग से रिलेटेड, स्किन रिटचिंग से रिलेटेड, क्रॉपिंग से रिलेटेड। और आई होप आप लोगों को काफी डिटेल में चीजें क्लियर हुई होंगी। इस पे मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ गिग्स, आप लोग क्वेश्चंस अपने पूछते रहे।
तो स्किन रीटचिंग से रिलेटेड आप लोगों को काफी ज्यादा जो है गिग्स मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है पार्टिसिपेट इसमें भी कर सकते हैं। ये वाली ना कीजिएगा, ये तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, बट लेकिन इसमें देखिए सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल स्किन रिटचिंग फॉर मॉडल्स या स्किन रिटचिंग फॉर मैगजीन्स, कुछ इस तरह की स्पेसिफिक जो है वो गिग आपकी हो तो फिर समझ आए। मैं आपको इससे रेकमेंड करूंगा, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक स्किन रिटचिंग भी नहीं करनी जिस तरह इन्होंने की हुई। आई डोंट नो इनको किस तरह ऑर्डर आ रहे हैं, ये लोगों के कॉम्प्लेक्स के साथ ही खेल रहे हैं। ऑलराइट, तो यहां तक कोई सवाल हो तो प्लीज यू गाइस कैन आस्क। देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि फोटोशॉप की आप लोग जब तक ट्यूटोरियल्स नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को ये टूल्स क्लियर नहीं होंगे। और आप लोगों ने जितनी भी फॉर एग्जांपल फोटोशॉप में अगर पोस्टर कवर बनाना है, बुक कवर बनाना है, ये मल्टीपल चीजें करनी है, यानी जर्सीज डिजाइन्स बनाने हैं, उसमें से लोगोज रिमूव करने हैं, तो आप लोग को ये टूल्स आने चाहिए। ये टूल्स जब तक आप लोगों को नहीं आएंगे तब तक आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि बेसिकली आप लोग ने एक्शन या टूल को परफॉर्म किस तरह करना है, टास्क किस तरह परफॉर्म करना है। जी, फोटोशॉप एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। एग्जैक्टली, आप लोगों का तकरीबन इस वीक फोटोशॉप चलेगा, इंशाल्लाह ताला इस वीक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक आप लोगों के पास है, और इस वीक देखें आप लोगों ने ना फोटोशॉप को आप लोग इनफैक्ट बाद में भी सीख सकते हैं। ये मैं आप लोग को बेसिक सिखा रहा हूँ, मैं आप लोग को इससे रिलेटेड कोई असाइनमेंट्स नहीं दे रहा, बिकॉज मैं आप लोग को वो चीज पे एम्फेसाइज करता हूँ जिस चीज से आप लोग का डायरेक्ट एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फायदा हो। मैं चाहता हूँ आप लोग की अर्निंग स्टार्ट हो। अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आप लोग को जरूरी नहीं है कि फोटोशॉप आए, फोटोशॉप में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिग्स हैं जिसमें कॉम्पिटिशन है, लेकिन फोटोशॉप के कुछ गिग्स हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह की भी गिग बना सकते हैं कि आई विल रिमूव द लोगो फ्रॉम योर स्पोर्ट्स जर्सी, ठीक है, ये एक यूनिक गिग है, या आई विल डू बुक कवर डिजाइन फॉर योर चिल्ड्रंस बुक, कुछ इस तरह की कुछ एक यूनिक सी बन सकती है। लेकिन जो बैकग्राउंड रिमूवल है, स्किन रिटचिंग है, फोटो एडिटिंग है, उस पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि भाई फोटोशॉप सीखो 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 सीखो, मतलब मैं आप लोगों को बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ फोटोशॉप के। बाद में आप लोगों के साथ मैंने ट्यूटोरियल शेयर कर दिए हैं, और ट्यूटोरियल शेयर करने के मकसद यही है कि आप लोग जो है उनको बाद में उन चैनल्स को जाके एक्सप्लोर करें। ऐसा नहीं कि बस आप लोग बस रख देंगे, बस सर ने शेयर कर दिया और दैट इज फाइन। बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि आप लोगों की अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव। नाउ अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी अर्निंग हो रही है, अब सिर्फ उन्हीं की हो जा रही है। उनकी क्यों हो जा रही है? बिकॉज उन्होंने एक दफा अर्न किया है, उनको समझ आई है, उनको एक यानी एक वो कहते हैं ना कि कोई चीज आप जब तक किसी चीज का मजा ना चखें तो आपको पता नहीं लगता, तो उन्होंने उस अर्निंग का मजा चख लिया, तो अब उन्हीं की अर्निंग आई जा रही है। अब
जो जिनको नहीं आ रही वो इतने डिमोटिवेटेड हुए हैं उन्होंने, क्योंकि अभी तक दे हैवेंट टेस्टेड विक्ट्री येट, तो दे जस्ट थिंक कि उनको कभी विक्ट्री मिलेगी ही नहीं। और ये मेरे साथ भी होता है, बहुत सी चीजों पे होता है। बट मैं आप लोग ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो पहला विक्ट्री होती है वो हमेशा लेट आती है, वो हमेशा टाइम लेकर आती है, लेकिन उसके बाद आपके लिए रास्ते खुलते हैं। तो आज का भी जो टॉपिक मैंने इसलिए रखा था कि हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं फाइवर पर या जो लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, हम लोगों ने स्ट्रेटेजीज क्या रखनी है कि हम लोग एक शॉर्ट टर्म बायर को लॉन्ग टर्म बायर में कन्वर्ट कर सकें। यानी मेरे फ्रीलांसिंग करियर में मुझे कभी किसी ने ये नहीं सिखाया था कि भाई एक बायर लॉन्ग टर्म बायर क्या होता है। मेरी मेरी नजर में यही था कि एक बायर ये होता है कि बस जिसने काम कराया, 5 स्टार रिव्यू दिया, एंड आई सेड हिम गुड बाइज, ही सेड मी गुड बाइज, एंड दैट इज इट। और मुझे लॉन्ग टर्म बायर का किसी ने कॉन्सेप्ट कभी बताया नहीं था। तो उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि मैंने बहुत से पोटेंशियल लॉन्ग टर्म बायर्स पे मेहनत ही नहीं की और उसको लॉन्ग टर्म बायर कन्वर्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अब एक लॉन्ग टर्म बायर क्या होता है, किस तरह बना सकते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बायर आता है, उसका एक फॉर एग्जाम्पल शॉपिफाई का वो स्टोर खोलना चाह रहा है, लेकिन वो आपसे सिर्फ उसका लोगो बनवाना चाह रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने उसको लोगो बना के दिया, वो आपके लोगो से इंतहाई सेटिस्फाई हुआ, उसने आपको 5 स्टार रिव्यू दिया। अब दो सूरत हाल है इसमें, या तो आप उसको टाटा बाय अल्लाफिज कह दें, ठीक है कि भाई ठीक है तुम्हारे रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग, या आप एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। आपको पता है कि उसने शॉपिफाई स्टोर अभी बनवाना है, उसने अभी सिर्फ अपना लोगो बनवाया। आप जैसे ही उसने आपको शुरू में क्यूरी भेजी थी, आपने क्या करना था, आपने करना था कि आपने फॉर एग्जांपल शॉपिफाई डेवलपर या शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करने वाला कोई बंदा ढूंढ लेना था, एटलीस्ट कोशिश करनी थी कि मिल जाए, और सिर्फ एटलीस्ट डिस्कशन में ढूंढ लेना था कि आपको पता हो कि अच्छा मैं अगर शॉपिफाई का काम अगर पकड़ूं इस बायर से तो वो बंदा कर दे। अब शॉपिफाई का फॉर एग्जांपल लोगो आपने बनाया है $25 का, शॉपिफाई का स्टोर बनता है $200 का, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने उसे डिस्कस किया कि भाई कि मैं तुम्हारे शॉपिफाई स्टोर भी बना देता हूँ, मेरे पास एक्सपर्ट लोग हैं। वो कहते हैं ठीक है मैं आपसे बनवा लेता हूँ। अब आपका क्या फायदा हुआ, अब आप कहेंगे सर हमें तो आता नहीं है शॉपिफाई स्टोर बनाना, तो मैंने कब कहा कि आप बनाए, आप आउटसोर्सिंग करें, ठीक है। आपने जो बंदा बाहर ढूंढा है शॉपिफाई का जो काम कर लेगा, उसको $100 दें, $100 अपनी जेब में रखें, और जिस बायर ने आपको सिर्फ $25 दिया था, अब वो आपको $125 देकर जा रहा है। अब उसी बायर को फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के डिजाइन्स या पोस्ट वगैरह डिजाइन जो उसने शॉपिफाई को अपने प्रमोट करना है वो भी चाहिए होंगे। अब हो सकता है क्योंकि आपने उसके दो काम किए तो वो आपको कहे कि यार आपको ये चीज आती, तो आप कहे हाँ ये भी मुझे आता है, बेशक आपको नहीं आता, आप कहीं और से बाहर से करा के दे दें, वो आपको $100 उसके और दे दे, 10 पोस्ट डिजाइन करनी है, $100 दे दिया, $50 आपने अपनी जेब में रखा, $50 आपने बाहर काम वाले को दे दिया, कितने आपके कितने बन गए, 25 से आपके $175 बन चुके हैं। क्या हो सकता है बाहर आप लोकल में आप लोग को बहुत सस्ते रेट्स में भी मिल जाते हैं, जितना चीप रेट्स हो उसमें मिल जाते हैं, हो सकता है आप 70% अमाउंट रख रहे हो, वो 30% अमाउंट रख रहा हो। तो कहाँ एक बायर से आपको $25 मिल रहे थे और कहाँ एक बायर से आपको 200 से $300 मिल रहा है। अब इसका एक स्ट्रेटेजी है, इसका एक प्लान है, ऐसे नहीं कि सर ने कह दिया जी बायर से आप दूसरी चीज तीसरी चीजें पूछ लो। अब फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्डर चल रहा है लोगों का, आपको पता है इससे शॉपिफाई स्टोर बनवाना है, अब आप उससे ऑर्डर के दौरान ही पूछोगे कि क्या कैन यू हायर मी फॉर योर शॉपिफाई स्टोर एज वेल, ये फिर एक डेस्परेशन हो जाएगी, ये एक एक लो ब्लो हो जाएगा। मतलब आप समझ लें कि बायर कहेगा कि यार ये डेस्परेट हो रहा है ऑर्डर्स पकड़ने के लिए, तो वो मे भी आपको फिर लोगों के उसमें भी रिव्यू अच्छा ना दे। जब वो आप उसका लोगों का प्रोजेक्ट कर लें, वो फुली सेटिस्फाई हो जाए, आपकी पोस्ट परचेज से भी सेटिस्फाई हो जाए, फिर आप उससे पूछें, फिर आप वो जो वाइल्ड कार्ड है ना, यानी वो फेंकें कि भाई तुमने अगर शॉपिफाई स्टोर के लिए डेवलपर नहीं ढूंढा तो फिर आई एम द वन यू कैन हायर मी एज वेल फॉर दैट, फिर उसका काम हो जाए। तो फिर देखिए जब आप किसी बायर का एक दो दफा डिफरेंट काम कर देना, तो फिर वो अगले काम के लिए भी वो पहले आपसे ही पूछता है कि यार ये चीज आपको आती है कि नहीं। सो
ये एक स्ट्रेटेजी अगर आप रखेंगे तो आप लोग जो है एक शॉर्ट टर्म बायर को लॉन्ग टर्म बायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि मैं कह रहा कि आपको बहुत अंग्रेजी के चार अल्फाज आने चाहिए। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने से मतलब ये कि आपने शुरू से लेकर, यानी प्री ऑर्डर कम्युनिकेशन से लेकर, ड्यूरिंग ऑर्डर कम्युनिकेशन से लेकर, पोस्ट ऑर्डर कम्युनिकेशन से लेकर आपने प्रोफेशनलिज्म शो किया बायर को। आपने उसकी हर बात का टेक्निकली जवाब दिया है, उसका आंसर दिया है, आपने उसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी की है, आपने उसको फुली सेटिस्फाई किया है, 5 स्टार रिव्यू आपने लिया है, देन आप जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप पे ट्रस्ट करके आपको हायर कर सकता है फॉर सम अदर वर्क। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्लाइंट जो है ना वो हमेशा कस्टमर किंग होता है, तो किंग की हमेशा हमें बेस्ट सर्विस देनी पड़ती है हमें उसे। तो आपने अगर आउटसोर्स तब ही करना है जब आपको पता है कि अगला बंदा जिससे आप काम कराएंगे वो इतना कैपेबल है कि नहीं। ये रिस्क जो है ना, ये रिस्क टेकिंग होती है, रिस्क लेना भी पड़ता है कभी कभार, लेकिन ये है कि आप लोगों ने फिर देखना है फिर आपने अगले से काम किस तरह निकलवाना है। उसका निकलवाने का तरीका सिंपली ये है कि आप अगले को भाई एक डेडलाइन दे दो, आप उसको एक रिक्वायरमेंट दो, हमारी नेटिव जुबान है, आप उसको वॉइस नोट्स भेज दो, कॉल कर लो, उसको एक्सप्लेन करो ईच एंड एवरीथिंग। उसको कहना आपने काम तब तक शुरू नहीं करना है जब तक आप मुझे एक्सप्लेन करो कि आपको ईच एंड एवरीथिंग सब क्लियर है कि नहीं। और आप उससे फॉर एग्जाम्पल जो काम रिक्वायर्ड उससे रिलेटेड आप उससे सैंपल्स मांगे, आप सैंपल्स को कंफर्म करें कि अच्छा ये इसी का सैंपल है, इसी का सैंपल है कि नहीं। तो ये दो तीन टिप्स होती हैं कि किसी बाहर के बंदे को जिसको आप आउटसोर्स कर रहे हैं उसको किस तरह आप लोग ने वेरीफाई करना है। जब वो भी वेरीफाई हो जाता है आपको पता है कि नहीं यार ये जेन्युइन जेन्युइन बंदा है। वैसे आप लोगों का ई रोजगार का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ई रोजगार एलुमनाई के नाम से, आप लोग इसमें ज्वाइन भी करेंगे। हमारा ना एक पूरा नेटवर्क है वहां पर, डिफरेंट हर हर तरह का फ्रीलांसर बैठा हुआ है, शॉपिफाई का भी है, वर्डप्रेस का भी है, सोशल मीडिया डिजाइन का भी है, वेबसाइट बैनर्स का भी है, हर किसी का आपको मिल जाएगा। तो आप उस नेटवर्क का यूटिलाइज, आप लोग तो लकी है बल्कि कि ऐसे नेटवर्क आप यूटिलाइज कर सकते हैं जिसमें आप लोग फॉर एग्जाम्पल एक एक गारंटी मतलब ई रोजगार की एक स्टैंप लगी होगी कि बंदा ई रोजगार से है तो वो स्कैम वगैरह आप लोग के साथ नहीं करेगा। तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजीज होती हैं कि किस तरह आप एक शॉर्ट टर्म बायर को लॉन्ग टर्म बायर में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरी चीज ये कि आपने ना जब भी लॉन्ग टर्म बायर हो तो उसके साथ ना आपने लालच नहीं करना पेमेंट पे। जब आप लालच करते हैं पेमेंट पे, फॉर एग्जाम्पल पहला ऑर्डर आपने सस्ता कर दिया, दूसरा ऑर्डर डायरेक्टली आपने 50% बढ़ा दिया, तो इस तरह नहीं, आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना है। फिर पहले 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%, ये ओवर टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओवर टाइम आपने चीज बढ़ाना है, आपने ये चीज याद रखनी है भाई जहां पे वो मुझे सिर्फ $25 का काम दे रहा था वो मुझे पोटेंशियली 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 डॉलर का काम दे रहा है। तो आपको थोड़ी सी अपनी कॉस्ट मैनेजमेंट करनी पड़ती है, आपका पोर्टफोलियो भी बनता है, आपके पैसे भी अच्छे बनते हैं, और आपको वो क्लाइंट किसी और क्लाइंट पे में भी रेकमेंड करते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, एंड यही वो स्ट्रेटेजीज हैं जिससे आप एक शॉर्ट टर्म बायर को लॉन्ग टर्म बायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन आ रही हो तो आप लोग फ्रीली पूछ सकते हैं। हमारा टॉपिक आज का जो है एंड हो गए दोनों, तो आप अगर क्वेश्चन आंसरिंग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। सर मॉकअप में आपने कहा था फोटोशॉप में जाके सही होगा, काइंडली मॉकअप का लाजमी बताइएगा। चलिए इंशाल्लाह कल मैं इंशाल्लाह मॉकअप के बारे में बता देता हूँ किस तरह मॉकअप एडिट कर सकते हैं। कोई और सवाल हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, कोई सवाल हो बायर से, जो जो मैंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बायर को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का आप लोगों को सोल्यूशन बताया, इसमें कोई चीज हो। वाटर मार्क भी इसी तरह रिमूव होगा, वाटर मार्क भी इसी तरह रिमूव होगा।
और कोई सवाल प्लीज गाइस, द फ्लोर इज ओपन, आप लोग पूछा करें सवाल, मैक्सिमम पूछा करें। यहाँ पे कॉल्स पे बहुत कम लोग आते हैं, ये देखिए सिर्फ मोहम्मद सलीम आते हैं और ये रोज आते हैं, और इनका हमेशा डिवाइस नॉट कनेक्टेड आता है, आप लोग देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आप लोग कॉल पर भी आ सकते हैं, आप लोग को हमेशा मैं रोज शेयर करता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग शाये हैं या वो शाये फील करते हैं आने पर, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप लोग कॉल पर आकर भी अपने कमेंट्स, जब ये क्वेश्चन आंसर्स का होता है एंड पे, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, हाउ कैन वी फाइंड अ फॉन्ट नेम? अच्छा, उसका ये है कि यहाँ पर आप लोगों के पास फॉन्ट स्क्वायरल, फॉन्ट आइडेंटिफायर आप लिखें, फॉन्ट आइडेंटिफायर में एक फॉन्ट स्क्वायरल का ये पॉपुलर है, फॉन्ट आइडेंटिफायर लिखेंगे फॉन्ट स्क्वायरल का, ठीक है, और यहाँ पर इनका ये आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग एक इमेज अपलोड करें। फॉर एग्जाम्पल मैं अपलोड करता हूँ, ये इमेज अपलोड की मैंने एक लोगो की, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको क्रॉप करने को कहेगा इमेज को। मैं यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट को क्रॉप कर लेता हूँ, बाकी को रहने देता हूँ। इसको जब मैंने क्रॉप कर लिया तो यहाँ से मैंने लिख लेना है मैच्यूरेटेड, यहाँ से मैंने इसको क्लिक कर देना है मैच्यूरेटेड पे, और यहाँ से मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स में सेलेक्ट कर लेना है फॉन्ट स्क्वायरल, फॉन्ट जिलियन, ये माई फॉन्ट और फॉन्ट स्क्रीन पेड हैं, ये दोनों फ्री हैं, तो इनको मैं टिक कर देता हूँ, इन दोनों फ्री वालों को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से अब ये क्लोज जो इससे है ना फॉन्ट्स, वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहे हैं, क्लोजेस्ट फॉन्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, और आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्ट फॉन्ट मुश्किल ही शो होता है, ये एग्जैक्ट फॉन्ट है, ये एग्जैक्ट फॉन्ट शो कर रहा है, मेवन प्रो था ये फॉन्ट। तो आपने फिर चेक करना होता है कि कौन सा फॉन्ट एग्जैक्टली उसके ऊपर बैठ रहा है, ये वाला फॉन्ट था, ये एक तरीका है फॉन्ट शो करने का। जी, चिल्ड्रन बुक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं जरा फोटोशॉप का, जी, सादिया, वहां से आपको वेक्टर नहीं मिलेंगे, वहां से सिर्फ आपको इंस्पिरेशन मिलती है। कोई और सवाल? चिल्ड्रन बुक के बारे में इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको, इंशाल्लाह ताला हम लोग तकरीबन थर्सडे को जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि आपको चिल्ड्रन बुक जो है उस पर लेक्चर दूँ, इलस्ट्रेटर प्लस फोटोशॉप दोनों मिलाकर। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा हो तो प्लीज यू गाइस कैन फ्रीली आस्क। एनी क्वेश्चन गाइज? हमारे पास 19 लोग ऑनलाइन हैं, कोई भी सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, कोई चीज नहीं समझ आई तो वो भी पूछ सकते हैं, और सबने अटेंडेंस अपनी लगा ली है ना, राइट? अटेंडेंस अपनी क्लास से पहले लगा लिया करें,
लेट ना लगाया करें, फिर वो आपका फॉर्म बंद हो जाता है। अच्छा, नईम पूछ रहे हैं, क्लियर सर थैंक्स। एंसर फोटोशॉप तो यूट्यूब पे बहुत बड़ा पड़ा है, इसके कुछ टॉपिक्स रह भी जाएंगे तो खैर है, मीन्स अगर कुछ जस्ट टॉपिक चल जाएं तो। जी बिल्कुल, देखिए फोटोशॉप आप लोगों का मैंने आप लोग को ना फोटोशॉप में एक एक वो जो बीज है ना, वो आप लोग के लिए बो देना है नॉलेज का। वो जो ग्रो करना है ना फोटोशॉप का, वो आप यूट्यूब से बेताशा कर सकते हैं। मैं आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर, जिस तरह आज हमने स्किन रिटचिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, स्पॉट हीलिंग और हीलिंग के, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया। अच्छा, हीलिंग यहाँ पे यूज होता है, स्पॉट हीलिंग इधर यूज होता है। हीलिंग क्या कहते हैं, आपका ब्लेंडिंग करता है, क्लोनिंग आपका ब्लेंडिंग नहीं करता। वो जब आप बिस्मा आप अपनी गिग एडिट सेक्शन में जाएंगे, तो आपका वहां पर जब वीडियो जहां पे आपने अपलोड किया, उसके साइड पे लिखा आ रहा होगा कि इट विल टेक 24 आवर्स टू अप्रूव दिस वीडियो। अगर वो लिखा आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी वीडियो अप्रूव नहीं हुई। या आप अपनी गिग को व्यू करें तो उसमें आपको वीडियो अगर नहीं नजर आ रही, तो दैट इज एन ऑल्सो इंडिकेशन कि आपकी वीडियो अप्रूव नहीं हुई। उसके अप्रूव करवाने का तरीका मैंने सिंपली ये बताया था कि फाइवर के कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे टिकट एक जनरेट करेंगे, मैंने वीडियो अपलोड की है, मेरी वो अप्रूव क्यों नहीं हो रही, तो इट्स मोर देन अ डे, तो आपकी वो अप्रूव हो जाती है मोस्ट केसेस में, 100% केसेस में अप्रूव हो जाती है। और इंशाल्लाह ताला मैं ना आप लोग को एक मूवी मेकर, एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, उस पर ना वीडियो भी बनाना सिखाऊंगा। मेरे ख्याल से वो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं करना चाह रहे हैं वो, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं अपनी गिग्स पे और उसको उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, अगर आप लोग का अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। आप लोग भी रेस्ट करें और कोशिश करें, देखें अपनी कोशिश को आप लोग ने जारी रखना है ऑर्डर लेने के लिए। और टेस्ट होगा, टेस्ट भी इंशाल्लाह आप लोग का हो जाएगा, इजी रहे उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग का मेन टेस्ट ये है कि आप लोगों ने ऑर्डर लेना है, ठीक है। मेन टेस्ट ये है कि आप लोगों ने ऑर्डर लेना है, और ऑर्डर लेने के बाद आप लोगों ने बस ग्रुप में शेयर करना है कि आप लोगों ने ऑर्डर लिया है, ताकि दूसरों को मोटिवेशन हो। मैं चाहता हूं कि आप में से यहाँ पे जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, वो उन सब के पास एक ना एक ऑर्डर हो। जिस तरह उमर है उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, हारून है उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, खतीजा है उनके आए हैं ऑर्डर्स। तो अगर ये 3-4 बच्चे ले सकते हैं ऑर्डर्स, तो मैं ये पूरे मेरा बिलीफ है कि आप सब कर सकते हैं ऑर्डर्स। और इन्होंने भी वही टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई किए हैं। अली मुगल है मेरे ख्याल से, उनके ऑर्डर्स आए हैं, तो इन्होंने भी यही टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई किए अपनी गिग्स को रैंक करने के लिए। अब मुझे पता है इनमें से कुछ लोग जो हैं वो पहले से फाइवर पर हैं, लेकिन उनका अगर आप पूछें, हारून का पूछ लें या अली मुगल का पूछ लें, उनका फाइवर इस कोर्स से पहले जो है इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, इतना चल नहीं रहा था। उन्होंने भी यही फाइवर की टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने उनको बताई हैं वो अप्लाई की हैं, और उनका अब जो है काम अच्छा आ रहा है। तो आप लोग ने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। बाय रिक्वेस्ट रेगुलरली भेजें आप लोग, बाय रिक्वेस्ट आप लोग मेरे ख्याल से नहीं भेज रहे हैं। बाय रिक्वेस्ट रेगुलरली भेजें, गिग अपनी 7 कंप्लीट रखें, अपडेटेड रखें। आप लोग तकरीबन 4 से 5 घंटे डेली जब तक नहीं देंगे, आप लोग को ऑर्डर नहीं आएगा। तो मेरी वेल विशेज आप सबके साथ हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।